नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज अपन बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स के पांचवे पेपर में लखनऊ समझौता 1916 अथवा इसको दूसरा नाम कांग्रेस लीग समझौता जो 1916 है में हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 1906 में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए मुसलमानों में विशेषकर सर सैयद अहमद खान द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसको अंग्रेज़ों ने कांग्रेस से अलग रखा और उसके बाद में मुसलमानों को भी कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों से भी दूर रखा। लेकिन 1912 के बाद में परिस्थितियां बदल गई और इन परिस्थितियों बदलने का मुख्य कारण था 1912-13 में टर्की के विरुद्ध बलकान युद्ध हुए। इस युद्ध में टर्की की हार हो गई, जिसमें अंग्रेज़ों की सहानुभूति टर्की के साथ में नहीं थी। टर्की का जो सुल्तान था वो पूरे संसार के मुसलमानों का खलीफा यानी आध्यात्मिक मुखिया था, इसलिए भारत के मुसलमानों की सहानुभूति टर्की के साथ थी और मुसलमानों ने टर्की का साथ नहीं दिया था। इस कारण से भारत के मुसलमानों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध भावना उत्पन्न हो गई। डॉक्टर अंसारी, जो भारतीय मुसलमानों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, 1912-13 में टर्की में एक मेडिकल मिशन लेकर गए। जब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो टर्की के सुल्तान ने जर्मनी का साथ दिया और अंग्रेज़ों का विरोध किया था, इसलिए भारत के मुसलमान भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। इसके कारण भारत के मुसलमान कांग्रेस के समीप आने लगे। प्रथम महायुद्ध के आरंभ हो जाने पर भारत के मुसलमानों की सहानुभूति टर्की के साथ थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की तीव्र आलोचना शुरू कर दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को सरकार की आलोचना के कारण कैद में डाल दिया गया। इससे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का रोष और भी अधिक बढ़ा और उन्होंने कांग्रेस से समझौता करने की आवश्यकता को अनुभव किया। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्नों से 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक ही दिनों में बम्बई में बुलाए गए। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू जैसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता मुस्लिम लीग के अधिवेशन में निमंत्रित किए गए और उन्होंने वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भाषण किए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त कमेटी नियुक्त की, जिसने दोनों संस्थाओं के बीच में मेल उत्पन्न करने के लिए योजना तैयार की। इसी योजना को कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है। चूँकि दोनों संस्थाओं ने अपने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में इस योजना को स्वीकार कर लिया था, इसलिए इसे 1916 का लखनऊ समझौता भी कहा जाता। इस योजना के जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 2 वर्ष के लिए इस समझौते को लिया था। इस योजना की मुख्य धारा या मुख्य बातें निम्नलिखित है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। पहली बात थी, सरकार के वर्तमान ढांचे में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए जाएं ताकि यह भारतीयों की इच्छाओं के अनुकूल हो जाए। इस हेतु ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि इसका उद्देश्य शीघ्र से शीघ्र भारतीयों को स्वशासन देना है, भारत को एक पराधीन उपनिवेश न समझा जाए अपितु इसको दूसरे अधिराज्यों की तरह ब्रिटिश साम्राज्य में भी बराबरी का दर्जा दिया गया। दूसरी बात थी, प्रांतीय विधान परिषदों को में 1/5 चुने हुए सदस्य और 1/5 नामजद सदस्य होंगे। बड़े बड़े प्रांतों की विधान परिषद के सदस्य की संख्या कम से कम 125 होगी और छोटे प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्य की संख्या 50 और 75 के बीच में होगी, 50 और 75 से बीच में। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य जहाँ तक भी हो सके मवेशक मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे।
थोड़ी संख्या वाली जातियों को चुनाव द्वारा काफ़ी प्रतिनिधित्व देने का विशेष प्रबंध किया जाए। मुसलमानों को पंजाब में चुने हुए स्थानों में से 50%, उत्तर प्रदेश में 30% और बंगाल में 40%, बिहार में 25%, मध्य प्रांत में 15% और मद्रास में 15% और बम्बई में 33/3 स्थान दिए जाए। मुसलमानों को और स्थानों के लिए चुनाव लड़ने की आज्ञा नहीं होगी। चौथी बात थी, यदि किसी गैर सरकारी अधिकारी द्वारा कोई प्रस्ताव या बिल विधान परिषद में रखा जाए तो दूसरे संप्रदायों के हितों को प्रभावित करता है तो उसको पास नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई गैर सरकारी सदस्य विधानसभा में इस तरह का विधान परिषद में इस तरह का बिल रखता है जो दूसरे संप्रदाय के हितों को प्रभावित करता है तो उसको पास नहीं किया जाएगा। यदि उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उस बिल या प्रस्ताव का विरोध करते हो तो, यानी जिस समुदाय का वो हितों को प्रभावित करता है, यदि उस समुदाय के 3/4 सदस्य उस बिल या प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो पास नहीं किया जाएगा। नंबर 5 है, प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव सरकार को लागू करना होगा जब तक कि गवर्नर उसकी सहित उसके काउंसिल द्वारा इस पर निषेधाधिकार न लागू किया जाए। यदि 1 वर्ष के बाद प्रांतीय विधान परिषद उस प्रस्ताव को दोबारा पास कर दे तो प्रांतीय सरकार को इसे लागू करना ही पड़ेगा। अगला बिंदु है, कोई भी साधारण विधेयक प्रांतीय विधान परिषद द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार पेश किया जा सके और उसके लिए सरकार की आवश्यकता नहीं रहे, यानी सरकार से अनुमति के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगला बिंदु है, कानून बनाने से पूर्व सब विधेयकों के लिए गवर्नर की मंजूरी की आवश्यकता होगी। गवर्नर जनरल को किसी बिल को अस्वीकार करने की भी शक्ति होगी। अगला बिंदु है, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में कम से कम आधे सदस्य भारतीय होंगे जो उस प्रांतीय परिषद विधान परिषद द्वारा चुने जाएंगे। अगला बिंदु, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 150 होगी। केंद्रीय राज्य विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 150 होगी जिसके 4/5 यानी 5/4 सदस्य चुने जाएंगे। चुने हुए सदस्यों में से 1/3 सदस्य मुसलमान होंगे जो मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुने जाएंगे। केंद्रीय विधान परिषद द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव लागू होगा जब तक ये गवर्नर जनरल था उसके काउंसिल द्वारा अस्वीकार नहीं कर दिया जाए। अगला बिंदु, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के आधे सदस्य भारतीय होंगे। गवर्न एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, इसके आधे सदस्य भारतीय होंगे जो केंद्रीय विधान परिषद द्वारा चुने जाएंगे। इस चुनाव में केंद्रीय विधान परिषद के चुने हुए सदस्य को ही केवल मत देने का अधिकार हो। इसमें वह व्यक्ति मत देता है दे सकता है जो कि केंद्रीय विधान परिषद के चुने हुए हो। इस योजना, अब इसकी क्या दोस्त है, इसकी क्या क्या कमियां थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि इसमें चुनाव में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अपना लिया गया और इसको कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया गया। इस योजना में बड़ा भारी दोष यह था कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था और मुसलमानों को उनकी आबादी से बहुत अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। जहां मुसलमानों का बहुमत तो जहां हिंदुओं का बहुमत था वहां मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन जहां मुसलमानों का बहुमत था और हिंदू अल्पसंख्यक थे वहां हिंदुओं को इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया। और यही
मुसलमानों के प्रति तुष्टिकरण की नीति बहुत घातक सिद्ध हुई। कई लेखों के अनुसार यहीं से कांग्रेस के मुसलमानों को संतुष्ट और प्रसन्न करने की नीति का आरंभ होता है। इन सब बातों का ही बुरा परिणाम निकला और मुसलमानों की और भी मांगें धीरे धीरे बढ़ती गई। अंत में इस नीति के परिणाम स्वरूप देश का बंटवारा हुआ और भारत के दो टुकड़े हो गए। इस योजना में एक और बड़ा दोष ये था कि उसमें उत्तरदायी सरकार की कहीं भी मांग नहीं की गई। अपने 10 बिंदु पड़े, इसमें कहीं भी उत्तरदायी सरकार की मांग नज़र नहीं आती है। ब्रिटिश सरकार ने भी बाद में उस योजना की सारी बातों को नहीं माना था। अब इसी जुड़ा मेसोपोटेमिया की दुर्घटना। टर्की के विरुद्ध मेसोपोटेमिया में भारत सरकार प्रथम महायुद्ध के समय संघर्ष कर रही थी, परंतु उसकी हार हुई क्योंकि सैनिकों की सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए इस दुर्घटना की जांच के लिए कमीशन बैठाया गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत सरकार बिल्कुल अयोग्य है और भारतीयों में पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको स्वशासन देना आवश्यक है। उनको भी भारतीयों का यदि सहयोग चाहिए तो उनके लिए उनको स्वशासन देना होगा। मोंटेग्यू की घोषणा हुई। ऊपर ने जितने बातों का पढ़ने अध्ययन कर किया चर्चा की, इन सब बातों का एक सार जरूर निकलता है कि इन सब बातों ने अंग्रेज़ों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह भारतीयों को कुछ नए अधिकार दिए। इसलिए मोंटेग्यू जो उस समय भारत सचिव थे ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की जिसमें कहा गया ब्रिटिश सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है यह है कि भारतवासियों को शासन के प्रत्येक विभाग में अधिक से अधिक भाग दिया जाए और ऐसी संस्थाओं को उत्साहित किया जाए जो स्वशासन के कार्यों में लगी हुई हैं, जिससे भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी शासन की नींव रखी जा सके और यह ब्रिटिश सरकार के अंदर रहकर स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इस घोषणा से भारत के किसी राजनीतिक दल की संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि इसमें भारत की उन्नति का न्याय करना और उसको स्वराज्य देना ब्रिटिश संसद के हाथों में रखा गया था। बाद में इसी के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 का अधिनियम पास किया जिसके बारे में अपन बाद में आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे।